वेलकम टू माय चैनल आरआर रीजनिंग क्लासेस। मैं राज बहादुर, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया टॉपिक रीजनिंग का, जो कि है घड़ी, क्लॉक। तो देखते हैं क्या है क्लॉक। क्लॉक तो वैसे सबको पता होगा इसके बारे में कि घड़ी में तीन सुइयां होती हैं, घंटे, मिनट और सेकंड की सुई। लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, कैसे क्या क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम बेसिक्स देखते हैं क्या है बेसिक। देखिए, जो घड़ी जो होती है ये सर्कल पे ही बेस्ड होती है, क्योंकि जो वृत्त जो होता है उसका एंगल 360 डिग्री होता है, वैसे ही जो घड़ी होती है इसमें भी 360 डिग्री से। अब देखिए, जो घड़ी जो है ये 360 है। अब इसमें देखिए, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, सेकंड्स भी होता है। अब देखिए, टोटल कितना दिया गया टाइम, कितना इसमें मेंशन होता है, 12। तो देखिए, यहाँ पे हम 12 से 1 आवर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ठीक है। 1 आवर के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 360/12, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, एक घंटे में कितने एंगल हो जाएगा, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब देखिए, कैसे एक घंटे में 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए, जैसे ये हमारा दिया गया है, ये 12 है, 12 और 1 के बीच में ये जो हमारे 5 मिनट्स जो होते हैं, है ना, ये जो हमारे 5 मिनट्स जो होते हैं, इनके बीच का जो एंगल जो होता है वही हमारा 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ये 30 डिग्री होता है। अब देखिए, 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री, सेम है। 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू, देखिए ये तो सबको पता होगा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना, तो ये 60 मिनट्स हो जाएंगे। अब हम क्या कह सकते हैं, जो 60 मिनट जो होता है, 60 मिनट में कितने, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये सिर्फ घंटे वाली सुई के लिए बोलते हैं, जो आवर आवर जो हैंड जो होती है उसके लिए ये सब हम बता रहे हैं, ठीक है, जो घंटे वाली जो सुई, घंटे वाली सुई के बारे में ये हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो मिनट वाली जो सुई होती है उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो अब देखिए, जो घंटे वाली जो सुई होगी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, एक मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो बनाएगी 0.5 डिग्री का, मतलब 0.5 डिग्री का कोण बनाएगी। एक मिनट में जो घंटे वाली जो सुई होगी वो 0.5 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा आवर है, मतलब घंटे वाली सुई पर ही ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। ये जो जैसे दिया गया, एक मिनट में 0.5 डिग्री एंगल कौन सी घड़ी के सुई के बीच में होगा, तो वो होगा घंटे वाली सुई के बीच में, ठीक। अब हम देखेंगे, अभी तो हमने देखा घंटे वाली सुई, अब इसके बाद हम देखते हैं मिनट वाली सुई के बीच का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये मिनट वाली सुई का कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे। जो हमारी मिनट वाली सुई जो होती है, ये जब पूरा सर्कल हमारा रोटेट करेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट, है ना, क्योंकि 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60। अब हम जो देखेंगे कॉन्सेप्ट वो 60 मिनट वाला ही देखेंगे। 60 मिनट में कितने एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 360, है ना। अब देखिए, 1 मिनट में कितने एंगल हो जाएंगे, तो 1 मिनट में 6 एंगल हो जाएगा, है ना। अब देखिए, 5 मिनट वाला भी देख लें, क्योंकि 5-5 मिनट के बारे में हमको ज़्यादा पता होता ना, और उसके बारे में हमको जानकारी भी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे ये 8 और 7 है, तो 8 और 7 के बीच में ये हमारा 5 मिनट का होता है ना गैप, ये हमारा 5 मिनट का गैप होता है, तो 5 मिनट में कितने एंगल हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, ओके। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम है जो सेकंड वाली जो सुई जो होती है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड वाली सुई का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जो सेकंड वाली सुई जो है वो जब पूरा सर्कल रोटेट करती है तो वो 1 मिनट चलती है ना,
या फिर कह सकते हैं 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू वो सॉरी 60 सेकेंड्स हो जाएंगे, 60 सेकेंड इक्वल टू ये हो जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट में जो हमारी जो क्लॉक है या फिर 60 सेकेंड में जो एंगल है वो होता है 360, ठीक है। तो वैसे ही 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, देखिए जो हमारा मिनट वाला कॉन्सेप्ट है सेम है हमारा सेकेंड वाले सुई का भी कॉन्सेप्ट होता है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो मिनट और आवर वाले हैंड्स जो होते हैं उन्हीं के बीच का हमको एंगल्स और उन्हीं के बारे में हमको पता करने दिया जाता है। सेकंड वाले सुई के बारे में या फिर सेकंड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं को इनसाइड डिमांड है, मतलब जो घंटे और मिनट वाली जो सुई है वो 24 घंटे में कितनी बार मिलती है, कितनी बार मिलती है इसका क्या मतलब है कि जैसे सपोज करिए ये हमारा जो ये जो है ये है हमारी सेकेंड मिनट है, ओ सॉरी ये है हमारी आवर है। अब देखिए मिलने का मतलब क्या होगा, जो हमारी आवर एंड है उसके ऊपर ये मिनट वाली एंड्स आ जाए तो इसको हम बोलते हैं को इनसाइड इवेंट है, मतलब मिनट और घंटे की सुई का मिलना, मिनट और घंटे की जो सुई है इसका मिलना। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में जो मिनट वाली और जो घंटे वाली सुई है ये कितनी बार मिलती है। तो अब देखिए जैसे अभी वैसे तो पता होगा सबको कि एक घंटे में जो सुई जो है एक घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई कितनी बार मिलेगी, एक बार, एक घंटे में एक बार। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, तो 24 घंटे में सीधा बोल देंगे 24 बार। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा आंसर गलत, ठीक है ये गलत है, ये होता है सिर्फ 22 बार। कैसे उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए जो घड़ी जो होती है इसमें 11 और जो 12 जो होता है 11 और 12, ठीक है 11 और 12 जब बजते हैं तो यहाँ पे ये जो है ये पास में नहीं मिलते हैं, ये आपस में नहीं मिलते हैं। कैसे, क्योंकि जैसे देखिए जब 11 और 12 के बीच में जब कोई भी टाइम जब होगा तो सीधा मिलेगी तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे है ये हमारी हो गई मिनट वाली, यहाँ पे हो गई आवर वाली, तो जब ये यहाँ पे आगे रोटेट करेगी तो ये तो सीधा कितना हो जाएगा 12 बज जाएगा ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे इसको काउंट नहीं करते हैं। तो ये 11 और 12 के बीच में जो सुई जब होगी तो ये काउंट नहीं किया जाएगा और ये जो है 2 बार होगा दिन और रात, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे के बारे में पूछेगा तो ये जो है दिन और रात में 2 टाइम हो जाएगा, इसीलिए 24 में 2 हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 22 बार ही मिलेगा। ओके, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, जो घंटे वाली मिनट वाली जो सुई है 24 घंटे में 22 बार मिलेगी और 1 घंटे में 1 बार मिलेगी, ठीक है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक दूसरा है कि अपोजिट इन अ डे, अपोजिट इन अ डे का मतलब क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो गया, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री कब होता है उसके बारे में देखते हैं। ओके, देखिए क्या है अपोजिट इन अ डे, मतलब 180 अंश का जो कोण जो होता है वो 24 घंटे में कितनी बार मिनट और घंटे की सुइयां आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा कि 1 आवर में कितनी बार 180 डिग्री का कोण होगा 1 टाइम, बट जब हमारे 24 घंटे जब हो जाएंगे तब कितनी बार होगा, तब भी 22 बार ही होगा। ओके, 22 टाइम्स। कैसे, देखिए जो हमारी 5 और 6 बजे की जो 5 और जो 6 जो है इसके बीच में कभी भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ओके, 5 और 6 के बीच में,
अब देखिए 24 घंटे का कॉन्सेप्ट है ना, 12 घंटे में जब 5 और 6 बजे के बीच में नहीं मिलेगी तो वैसे ही दो बार हो जाएंगे ना, क्योंकि हर एक टाइम 24 घंटे में दो बार होता है ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके। एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है एंगल बेस्ड, दूसरा मिरर इमेज पता करने को आ जाता है, और तीसरा वाटर इमेज। ठीक है, कोई भी घड़ी दे दी जाएगी उसका टाइम मेंशन कर दिया जाएगा कि जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया गया हो 4:40 के बीच का कोण, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा अब जैसे अभी हमने बताया मिरर इमेज, ठीक है, तो मिरर इमेज क्या क्या आ जाएगा, जैसे ये आ गई कोई भी बात है दी गई है, ठीक है, अब इसका ये मिरर बना दिया जाएगा। अब दूसरी ये कितने बजेंगे, सपोज करिए ये यहाँ पे हो गई, कोई भी टाइम दिया गया है उसका मिरर इमेज पता करने को आ जाएगा। ठीक है, सेम एज ये दिया गया होगा, एक कोई इमेज दे दी जाएगी उसका वाटर इमेज पता करने को आ जाएगा। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं आगे कैसे होंगे। अब देखिए जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन कि 4:40 के बीच का कोण क्या होगा, तो देखिए एक तो हमारा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 11/2 ये हो जाएगा 30h±θ। ठीक है, जहां पर m जो है, m है हमारा मिनट। ठीक है, m जो है मिनट है, h आवर, थीटा एंगल होता है। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये बुक में ज्यादातर दिया होता है फार्मूला। ठीक है, लेकिन अब देखिए जैसे ये फार्मूला है इस पे भी बेस हम कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे टाइप से करेंगे, एक हमारी अच्छी ट्रिक है, नई ट्रिक है, देखते हैं क्या है। देखिए कोई भी जैसे दिया गया होगा उसको हम रेशियो मेथड से, कोई भी टाइम दिया गया होगा उसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम आगे देखते हैं, या फिर अब देखिए जैसे ये क्लॉक है हमारी 4:40 दिया गया है, तो उनके बीच का हम कैसे कोण निकालेंगे उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4, देखिए 4:40 है तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, 4 और 5 के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि मिनट वाली सुई जो जो आगे बढ़ेगी वैसे ही घंटे वाली सुई भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए 4:40 के बीच का ये हो गया हमारा 4:40, ये हो गया 4:40। अब देखिए पता करने के लिए कि हाँ इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो अब देखिए अभी हमने बताया है कि जो हमारा 5 मिनट जो होता है, 5 मिनट के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, या तो हम ऐसे काउंट कर लें। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा फार्मूला तो देखिए बुक में दिया ही होता है, अब हम इस फार्मूले को छोड़ के एक दूसरे टाइप से हम, अभी हमने बताया था कि रेशियो मेथड से क्वेश्चन जो है रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड के जो भी क्वेश्चन होंगे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम आंसर्स पता कर सकते हैं। ओके, कैसे पता करेंगे उसके लिए हम आगे बताएंगे। पहले देखिए दूसरी जो ट्रिक है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बताया था 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 4:40 दिया गया है, तो 40 तो देखिए 8 पे आ जाएगा, 4 तो है, इन सबको हम काउंट कर लेंगे, ये हो जाएंगे 4 बार दिया गया है 30×4, फिर क्या कर देंगे प्लस और माइनस 2 होते हैं, प्लस और माइनस, फिर जो दिया गया होगा टाइम हमारा मिनट जो दिए गए होंगे इसको हम हाफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस माइनस दिया गया है, यहाँ पे ये 40 दिया गया है, 40/2। अब देखिए जैसे कोई भी टाइम दिया गया ये तो आगे बढ़ ही रही है ना, तो कितनी बढ़ी है उसके बारे में यहाँ पे हम माइनस का साइन ले लेंगे। ठीक है, माइनस का साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 120-20, ये हो जाएगा 100 डिग्री का कोण। ओके,
अब देखे ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, फार्मूला वाला हम भी चेक कर लेते हैं, देखिए जो हमारा आंसर आया क्या सही है नहीं सही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया है 11/2 मिनट 40 दिए गए हैं, 30 आवर कितना दिया गया 4 मल्टीप्लाई ये प्लस माइनस थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 220 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए ये इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 220 माइनस 120 इक्वल टू, यहाँ पे हम थीटा ही लेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो वो हमारा सेम एंगल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 100 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4:40 के बीच का कोण क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे उसको, 4:40 दिया गया है तो अब हम इसके बीच का हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो का मतलब हिंदी में अनुपात कहते हैं, ठीक है, तो 4:40 के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, आवर को ऊपर रखेंगे फिर मिनट, ये हो जाएगा 110, मतलब रेशियो हमारा हो जाएगा 1:10 का, ठीक है। तो अब देखिए जब 1:10 का जब हमारा रेशियो होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा फार्मूला होता है देखिए, जब हमारा रेशियो दिया गया होगा 1:10 का रेशियो तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम देखते ही देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, जब 1:10 का हमारा रेशियो होगा तो मिनट इंटू 2.5, ये हम इतना कर देंगे बस, ठीक है आंसर आ जाएगा। अब देखिए मिनट हमारे कितने दिए गए 40, इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये एंगल आ जाएगा, ओके। बस हमको करना क्या है, जो भी हमारा टाइम दिया गया होगा उसका हम रेशियो निकाल लेंगे और ये हमारा फार्मूला है मिनट इंटू 2.5। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ जब हमारा 1:10 का रेशियो होगा उसी पर ही ये फॉलो करेगा, ओके। देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन, आगे के रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये दिया गया है 9:45, ठीक है, इसके बीच का कोण हम कैसे पता करेंगे, हमने अभी बताया रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे, कैसे निकालना है, जो हमारा टाइम जो दिया गया है आवर जो दिया गया है उसको हम अंश मतलब न्यूमिनेटर में लिखेंगे और जो मिनट दिया गया है उसको डिनोमिनेटर मतलब हर में लिखेंगे, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, ये हो जाएगा रेशियो 1:5 का, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हमारा फार्मूला जो होता है जब हमारा 1:5 जब दिया गया हो इसका हमारा फार्मूला होता है मिनट अपान 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिनट हमारे कितने दिए गए हैं 45 और अपान में 2, तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। ये हमारा जो 9:45 जो दिया गया है टाइम, इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री हो जाएगा, ओके। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये जो फार्मूला जो रेशियो वाला जो हमने बताया बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, देखते ही देखते दो या 3 सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ओके। उम्मीद है नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए जैसे ये अब हमारा टाइम दिया गया है 6:24 के बीच का कोण, तो इसको हम क्या करेंगे, बस वही हम कर देंगे रेशियो, रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो ये हो जाएगा 1:4 का, 1/4 मतलब 1:4 हो जाएगा और इसका हमारा फार्मूला होता है मिनट इंटू 2, ठीक है। जो भी हमारा मिनट दिया गया है इसको हम 2 से गुणा कर देंगे और 6:24 या फिर जो 1:4 है इसके बीच का हमको एंगल पता हो जाएगा, मिनट हमारे दिए गए हैं 24, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 48 और ये जो 48 जो आया है यही हमारा एंगल 6:24 के बीच का जो कोण है यही हमारा आंसर हो जाएगा 48 डिग्री, ओके। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं अब हम अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे के रेशियो, रेशियो वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह भी करते रहिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें।